भगवान की कीमत कर न सका जो, इंसान की कीमत क्या जाने, धान का पैसा दे न सका वो, जान की कीमत क्या जाने। ये अपने को ऐसा दिखाते हैं कि सिर्फ राम भगवान हमारे, या राम राजा सरकार के जो चढ़ावा आता है उसका घोटाला है, वो ये पूरा चंदा खा गए। देखिए विधानसभा 70 में कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है, कि हम सिर्फ भाजपा से संगठन के मामले में कमजोर, जितने नारियल झूठे फोड़े जा रहे हैं, भूमि पूजन किया जा रहा है। तो उधर राजनीति में कितनी अहमियत रखता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी ने भी चौथी लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस के भी लिस्टें नहीं है, लेकिन अभी उधर की सीट क्लियर नहीं हुई। हमारी जरूरत इसलिए पड़ी कि इन दोनों पार्टियों ने शासन किया और इतना भ्रष्टाचार किया, मध्य प्रदेश को बारी बारी से इतना लूट कर बुनियादी सारी व्यवस्थाएं खत्म कर है। और इस बार का चुनाव पार्टियां नहीं लड़ेंगी, इस बार का चुनाव आम जनता लड़ने जा रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो वो फिर बड़े सिंहासन को नोच के और फेंक देती है। हर ग्राम पंचायतों में आधे से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी के वोटर हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लगभग सभी विधानसभाओं में जीत रहे हैं। अब घटते घटते एक दो सीट अगर घट भी जाए तो आप आधे से ज्यादा सीट इस बार आम आदमी पार्टी आ रही। अंत्योदय क्या है? समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय, ना बिजली है, ना पानी है, ना शासकीय स्कूलों की पढ़ाई है। सरकार तो पिछली बार ही नहीं, इस बार कैसे बनाएंगे? तो कांग्रेस बीजेपी एक बेचता है, एक खरीदता है, खरीदे बेचे विधायकों से सरकार बन रही है। इस बार जो है आम आदमी अपनी सरकार खुद बनाएगी। चौथा विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल का मुद्दा था, हॉस्पिटल 70% बन के तैयार हो गया। विधायक जी की जो छवि रही उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो गया, 2 लाख हम संपन्न हो गए, 4 लाख संपन्न हो गए, 9 लाख रुपये हो गया। कई ऐसी योजनाएं सरकार चला रखी है गरीबों के लिए, जिनको 15 लाख के रिक्शे में 2.5 लाख का आवास मिल गया। हमारे पूर्वज कभी कल्पना नहीं किए थे कि हम कभी भगवान राम का मंदिर देखेंगे, मंदिर हम देखने वाले, बन के तैयार हो रहा है, तो मुझे 15 लाख रुपये मिल गए। कल तक ये अपने 50 वकील खड़े करके कह रहे थे कि भगवान राम का मंदिर नहीं है। मैं आपसे एक कांग्रेस नेता का नाम पूछना चाहता हूँ कि जिसने राम मंदिर के लिए रोड़ा लगाया। कई ऐसे कपिल सिब्बल उसका मुकदमा लड़ रहे थे, मनु सिंह भी उसका मुकदमा लड़ रहे थे। आपके वरिष्ठ मिनिस्टर जो भारत सरकार के मंत्री थे वो बिल्कुल कोर्ट में खड़े होकर हलफनामा दे रहे थे। आज कांग्रेसी लोग सबसे पहले कांग्रेसी जम्मू कश्मीर में घूमने जा रहे हैं, आज वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं, तो सबसे पहले कांग्रेसी वहाँ पे घूमने जा रहे हैं। दो विधान, दो संविधान, दो झंडे, उसको माननीय मोदी जी ने समाप्त कर दिया, आप भी आपने समाप्त किया। देखिए क्या है कि अभी हम जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के समापन पे गए, 370 तो हटा दिए, लेकिन एक मामूली सी हल्की सी टेक्नोलॉजी जो है उसको आप नहीं आज तक कर पा रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब क्या है? ये मतलब आतंकवादी तैयार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आतंकवादी तैयार कर रही है। आपके नेता कंधार तक आतंकवादियों को छोड़ने जाते हैं और आप क्या है कि हिंदूवादी बनते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है साफ साफ कि मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ते हैं, इससे बड़ा। अभी चक्रेश जी ने ये सवाल किया कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है? इनका खुद का गांव है चक्रेश जी का, वहां पर अभी रात को 10 बजे या सवेरे 8 बजे किसी को कोई समस्या है तो वहां पर क्या व्यवस्था है? भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार बनाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए समाज सेवा नहीं करती, चाहे कोरोना का काल रहा हो या कि अन्य हमारे ग्राम पंचायत में हमारे गांव के लोग हैं उनको सहयोग की आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं स्वयं खड़ा रहता हूँ और उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करते हैं। और कोरोना का काल लगा, ना कांग्रेस पार्टी दिखी, ना आम आदमी पार्टी दिखी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता सड़कों में उतर के और आम जनमानस की सेवाओं का कार्य करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, तब ना हम लोग चुनाव लड़ने की बात करते थे ना कोई बात, सिर्फ सेवा भाव का, सेवा समर्पण का भाव लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और आम जनमानस की सेवा करती है और हर गाँव गाँव बूथ बूथ तक निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करने का सिर्फ कार्य भारतीय जनता पार्टी करती। अन्य दल भी थे, कोरोना का काल लगा था, अन्य दल का कोई भी कार्यकर्ता जमीन पे उतरने का ये बोलते हैं हम आम आदमी कार्यकर्ता, आप कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता।
बता दें कोई भी कार्यकर्ता, कोरोना काल में यही सुहागी क्षेत्र है, हम लोग आम जनमानस को चप्पल पहनाने से लेके खिचड़ी वितरण से लेके पानी वितरण का कार्य करने का कार्य हम और हमारे विधायक जी श्री श्यामलाल द्विवेदी जी ने किया और अन्य कार्यकर्ता भाई लोग जो हमारे सब सिर्फ सेवा और समर्पण का भाव लेके हम लोग कार्य करते हैं। आज चुनाव का समय है तो ये सब लिए अपना दरम्बा पीट रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, ये सब इनके पास सेवा का भाव नहीं है, घर बैठ के मौज करना चाहते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो चल देते हैं अपना लिए पोथी पत्र कि हमको भी चाहिए। क्या है? कुछ नहीं। कभी सेवा का भाव इनके अंदर रहा हो, धर्म का भाव रहा हो, कभी कुछ किए ये लोग? कुछ नहीं किए, सिर्फ चुनावी समय में ये अपनी राजनीति की रोटी। आप बताइए, अभी पेशाब कांड हुआ, आपके नेता, आप आदिवासियों की बात करते हो, आपके पार्टी के नेता कार्यकर्ता आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहे हैं। पिछली बार खैर इनको प्रदेश की जनता ने भगाने का काम किया, अब एन के एन प्रकार ने खरीद फरोख्त करके कुछ नेता दोगले नेताओं के कारण इनकी सरकार फिर से बन गई। इस बार खरीदा नहीं गया, वो हमारे पार्टी से प्रभावित होके और हमारे दल में शामिल हुए, खरीदा नहीं गया। कांग्रेस सरकार उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाई, कांग्रेस सरकार ने उनको खूब दिया, 23 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बना देना मामूली बात है, लोग भर जाते हैं पूरे जिंदगी भर राजनीति करते हुए आदमी घर के लड़के, और आप बता रहे हैं कि उनका कोई सम्मान नहीं हुआ कांग्रेस।